सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को साधने का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा द्वारा सांवेर क्षेत्र के पालिया, चंद्रावतीगंज व कुढ़ाना में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुए। सबसे बड़ा सम्मेलन कुढ़ाना में हुआ, जहां बुधवार शाम बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग एकत्रित हुए। इस दौरान सभी का कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं सभी को मुख्य द्वार पर बीजेपी छाप मास्क वितरित भी किए गए। सांवेर भाजपा मंडल के अध्यक्ष सुमेर सिंह सोलंकी ने बताया कि इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य कांग्रेस को उपचुनाव में हराना है। आयोजन में मुख्य रूप से मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांवेर के चुनाव प्रभारी रमेश मेंदोला, इकबाल सिंह गांधी, विधायक उषा ठाकुर, डॉक्टर राजेश सोनकर, जीतू जिराते सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नेता व बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजन के दौरान सहभोज भी रखा गया। लो लो स्क्रीनिंग करते हैं। किस तरह का सम्मेलन है आज? आज हमारा भारतीय जनता पार्टी मंडल सांवेर की ओर से आज हमारे बूथ स्तर के हमारे पालक संयोजक मंडल के पदाधिकारियों का एक जन जागरण और मास्क वितरण का कार्यक्रम है, जो कि कांग्रेस ने एक भ्रम फैलाया हुआ है कि ये कार्यक्रम एक विशाल रूप दे गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। आपसे मेरा निवेदन है, मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारी कुर्सियाँ और मंच पे कैसी व्यवस्था रखी है। ये संस्कार और सभ्यता की पार्टी है, हुलूल जुलूल पार्टी कांग्रेस की तरह पार्टी नहीं। कौन आज शामिल होंगे? आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के माननीय संभागीय संगठन मंत्री जयपाल सिंह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर लालवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष माननीय राजेश सोनकर जी, दीदी हमारी उषा ठाकुर जी, विधायक मऊ माननीय राजेश सोनकर जी और हमारे सांवेर विधानसभा के प्रभारी दादा रमेश मेंदोला जी, हमारे सह प्रभारी इकबाल सिंह जी और हमारे माननीय युवा नेता भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिले के दो उपाध्यक्ष सावन सोनकर जी, सभी वरिष्ठ और पूरे सांवेर मंडल के वरिष्ठ, मैंने जो आपको सूची बताई उस मेरा नाम सुमेर सिंह सोलंकी, सांवेर मंडल अध्यक्ष। इसके बारे में बता दीजिए। ये हमारे सांवेर मंडल अध्यक्ष की कार्यकर्ताओं की बैठक है। ये जो योद्धा हैं, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और ये आज संकल्प लेंगे कि जो कांग्रेस धरातल पे चली गई है उसको और धरातल पे भेजा जाए। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, उसमें कहा गया है कि शिवराज सिंह जी का एक ऑडियो वायरल किया गया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा पहले से सरकार गिराने का तय माना गया था। वो तो कुछ भी बोलता रहा, उसमें कुछ नहीं बोलना, कोई मतलब कुछ नहीं बोल दिया आपको?